नॉन इंजीनियर्स को क्वांट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि क्या होता है दे आर नॉट फ्रॉम एनी NIT एंड IIT, तो उसमें क्या होगा ना आपको जो स्पीड पकड़ी है, स्पीड मतलब क्या है ना, 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल एंड 9th लेवल का पेपर्स है मैथमेटिक्स, बट लेवल इज़ वेरी हाई, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, उसके साथ साथ आपको घिच पिचा के रहेगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जियोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद एरिथमेटिक का 22 को टोटल जो क्वेश्चन है उसमें 11 को क्वेश्चन एरिथमेटिक से आएगा, तो 11 को क्वेश्चन एरिथमेटिक से आएगा, मतलब रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, वैदिक मैथ, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिश्रण एलिगेशन, इसको बिल्कुल ये वाला चैप्टर जो है पूरा एकदम पूर्ण कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना आपको बाद में जाके क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये 7 चैप्टर्स जो बोले हैं हम उसमें आप बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सेक्शनल प्रैक्टिस मतलब ईच एंड एवरी जो पेपर से जो किताब फॉलो कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करो, एंड पीछे मुड़ के आंसर मत देखो पहले, एंड पुराना कैट का पेपर जितना है मतलब 20 साल का या आपको 21 साल का 22 साल का जो चीज़ मिल रहा है अभी का डेट में अवेलेबल है उसको आप फॉलो करते रहो, प्रैक्टिस करो, पूरा रटो एकदम A to Z। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, मॉक देना पड़ेगा, मॉक आप ऑफलाइन दे सकते हो जो किताब से में है, एंड ऑनलाइन मॉक को आप खरीदना पड़ेगा, दैट इज ऑनलाइन मॉक खरीदने से 40 मिनट के पेपर में जैसे ऑनलाइन पेपर होता है वैसे ही आपको मॉक दे देता है, तो 40 मिनट में पहले आपको नंबर कम आएगा, आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन 40 मिनट के बाद देखोगे मॉक का एनालिसिस जब करते हो उस टाइम आपको सॉल्व हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं है, आपको सॉल्व आपको करना पड़ेगा ऑटोमेटिक आपको टाइम में, तो उसके लिए आपको स्पीड पकड़ना होगा, उसके लिए तो गोल्डन बुक रखो, मतलब जितना सारा आपको प्रॉब्लम हो रहा है मैथमेटिक्स में उसको लिख के रखो, एंड जिसका सारा फॉर्मूला का एक तो कॉपी बनाओ, फॉर्मूला लिख के रखो, 2 पन्ना छोड़ के रखो जो चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद जब उसको चैप्टर को प्रैक्टिस करना जाएगा उस टाइम देखोगे फिर 2 चैप्टर आपको नया नया ट्रिक्स आ रहा है, तो उस ट्रिक्स को लिख के रखो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना एग्जाम से पहले जब आप उसको रिविजन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में पूरा सब चीज़ चल जाएगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस डू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक दीजिए, एंड कैट का पुराना पेपर जितना सारा है प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर नॉन इंजीनियर्स यू विल गेट 99.99% इन क्वांट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।